बीच सड़क पर माइक हाथ में लेकर चीखता एक सरफिरा, हाथ में पिस्तौल, चारों तरफ लोगों की भीड़ और पुलिस का लाव लश्कर, हर कोई दम साध कर खड़ा है, जाने कब गोली चल जाए। लेकिन सनसनी बस इतनी नहीं है। युवक के पीछे देखिए, थोड़ी दूरी पर एक महिला है, उसके हाथ में भी पिस्तौल है और नीचे सड़क पर तीन मासूम बैठे हैं। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये दोनों युवक युवती क्या चाहते हैं और बच्चों की जिंदगी को अपनी सनक की आग में झोंकने पर क्यों तुले हैं। लेकिन कोई पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था, क्योंकि दोनों के हाथ में पिस्तौल थी, दोनों बार बार हवाई फायर भी कर रहे थे। डरे सहमे बच्चे सन्न होकर चुपचाप इस तमाशे का हिस्सा बने रहे। दोनों युवक युवती बच्चों को एक कार में लेकर आए थे। आते ही कार से उतरकर दोनों ने कार के फ्यूल टैंक पर गोली मारकर इसमें आग लगा दी। ये मंजर देखकर मौके पर हड़कंप मच गया। इसके बाद रोंगटे खड़े कर देने वाले तमाशे का अगला चैप्टर शुरू हुआ, जो करीब डेढ़ घंटे तक चला। और ये सब कुछ हो रहा था मथुरा के SSP दफ्तर के ठीक सामने। आखिरकार मौका मिलते ही पुलिस ने पिस्तौल छीनकर दोनों को धर दबोचा। पुरुष ने जो अभी तक कन्फेस किया हमारे सामने कि इनकी शादी कल टूट गई थी, महिला जो है वो मैरिड है और किसी उनके यहाँ पे भी अपना मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट चल रहा है। इस इश्यूज को लेके इनके यहाँ पे जो है कल इस लड़की शुभम चौधरी की शादी टूट गई है, जो जानकारी प्रकाश में आई है। उसी चीज से संभवतः इनका मानसिक संतुलन जो अभी देखने से लग रहा है कोहेरेंट नहीं है। बात शुरुआती जांच में पता चला है कि दोनों शादी करना चाहते थे। लड़की पहले से शादीशुदा है, इसी वजह से रिश्ते में मुश्किल थी, जिसके चलते दोनों ने ये तमाशा खड़ा कर दिया। ये बच्चे आरोपी युवक की बहन के हैं। दोनों ने इन्हें मोहरा क्यों बनाया, ये अभी तक साफ नहीं हुआ है।